जितनी तवज्जो गवर्नमेंट नथिया गली पे देती है, अगर उतनी ही तवज्जो खंडियानी पे दिया जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। कराची से? मैं कनाडा से हूँ। पिंडी से? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से? लोग पिंडी से। आबशार एक स्टॉप ओवर की हैसियत रखता है जहाँ से 13 किलोमीटर के फासले पर ठंडियानी, ठंडी हवाएं शुरू हो चुकी हैं। अभी 13 किलोमीटर और स्टीप चढ़ाई का रास्ता है। सफ़र इंतहाई खूबसूरत है, नाकाबले बयान। जो लोग भी गलियात का सफ़र करते हैं वो लोग, ये जो इतनी दूर स्वात, कागान और हुंजा की तरफ जाते हैं, वो कभी ठंडियानी को भी ज़रूर आके देखें। मुझे इस रास्ते पे चले हुए तकरीबन कोई अभी 1.5 घंटा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा है जिस तरह मैं कागान की तरफ निकला हूँ। बहुत खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत लोग, हेल्प करने वाले, बिला धड़क आएँ, दिन आएँ, रात आएँ, ठंडियानी जैसी जगह नज़दीक तरीन इतनी हाइट पे आपको शायद किसी और जगह नहीं मिलेगी। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू northwheel.com। मैं हूं अहमद फरीद राणा और आज की ट्रैवल स्टोरी में हम आपको सैर करवाएंगे ठंडियानी की। एबटाबाद से 24 किलोमीटर के फासले पे ठंडियानी इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई ठंडा मुकाम है। ये नथिया गली मरी से कहीं बुलंद है। 9,500 फुट बुलंदी पर ठंडियानी, जो कि मशहूर तो इसलिए है कि यहाँ पर ठंड बहुत होती है नाम की वजह से ठंडियानी, लेकिन यहाँ पे PTV के और बहुत सारी कंपनियों के टावर्स और गवर्नमेंट ने यहाँ पर PTV के बूस्टर्स लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये पूरे इलाके को PTV की और बहुत सारे टेलीविजन्स की कवरेज देता है। बहुत खूबसूरत जगह दियार के गहरे जंगलात, यहाँ पर बुलंदी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एबटाबाद से आपको ठंडियानी लगातार चढ़ाई है। अच्छी और मज़बूत गाड़ियों वाले आएँ, बहुत खूबसूरत मुकाम। मैं कनाडा से आई हूँ। बहुत खूबसूरत। ये तो आप, ये कनाडा में और पाकिस्तान में आपने एक तो अपनाइयत अपने अपनों की है, लेकिन लैंडस्केप के हवाले से आपने क्या फर्क पाया है? कोई खास फर्क नहीं है, दोनों में ब्यूटी है। एक फर्क बस ये है कि वहाँ पर जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, रास्ते बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं और ज्यादा मतलब कोई दुश्वारी नहीं है वहाँ पे। कहीं आप फिल जाएं, नीचे जा रहे हैं, ना बच्चे लुढ़कते हैं। यहाँ पे बहुत रिस्की हो जाता है कभी कभी जाना, अगर थोड़े रास्ते ठीक कर दें बहुत अच्छा हो जाएगा। ये भी सिक्योरिटी काफी अरसे से बेहतर है पाकिस्तान में। ठंडियाई का सुना हुआ था, आज जबरदस्त मजा इधर देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान में इस तरह के नज़ारे हैं आज देख रहे हैं। और काफी जो हमारे दोस्त जाते हैं बाहर मुल्क घूमने के लिए, उनको ये मशवरा होगा कि अपना पाकिस्तान देखें और इस तरह की ग्रीनरी बाहर नहीं मिलेगी जो यहाँ मिलेगी। कुदरती जो आबशार देखेंगे आप यहाँ, देख के जो है ना सुकून मिल जाएगा दिल को।
बिल्कुल थोड़े पैसों में आप स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इस वक्त एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है जो कि बहुत ही गहरे जंगल में वाक़ है, मैं उसको देखने जा रहा हूँ, उसकी बड़ी तारीफ बहुत सुनी है, बहुत खूबसूरत जगह पे है। चलें आप भी मेरे साथ चलें, आए आपको दिखाते हैं। आंटी कैसा लगा आपको ठंडियानी? बहुत अच्छा। दोबारा आने का आप ख्याल करेंगे यहाँ पे? हाँ, मौसम बहुत अच्छा है, ठंड मतलब बहुत ठंडा है गर्मी के पिंडी के लिहाज से। और जो अच्छा घरों में हाउस वाइफ्स हैं, जो औरतें खवातीन हैं, उनके लिए आप क्या क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे आना चाहिए ऐसी जगह पे? जाहिर है आना चाहिए, अच्छी जगह है। सलाम अलैकुम, कहाँ से तशरीफ लाए भाई जनाब? सर हम कराची से। कराची वाले उनको मेरा सात सलाम है। बड़ा ही सफर करके बहुत बड़ी तकलीफ है, सुख से सह कर बर्दाश्त करके वो लोग यहाँ पहुँचते हैं और जो खर्चा कराची वालों का हो जाता है वो तो एक्स्ट्रा खर्चा करके आते हैं। कैसा लगा आपको ठंडियानी? यार बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा, मतलब जो सोचें तो उससे ज्यादा खूबसूरत है। और दूसरा ये है कि मैं इससे पहले आ चुका हूँ तकरीबन 15 साल पहले, मगर मैं उस वक्त जब स्नो फॉलिंग हो रही थी तब आया था और तब भी बहुत खूबसूरत था, मगर उस वक्त हम बैचलर थे तो दोस्त यारों के साथ आए थे। बिल्कुल, अब हम अपनी फैमिली के साथ आए और फैमिली को घुमा रहे हैं और बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन मौसम हो रहा है, बहुत जबरदस्त, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर है ऐसी होटल्स वगैरह की ठीक सहूलत फैसिलिटीज? ठीक है, बेहतरीन है, बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त है। आप इसी थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक होटल है बड़ा अच्छा, इस वक्त मेरा नाम याद नहीं आ रहा, मगर बहरहाल बहुत जबरदस्त होटल है वो। उधर खाना पीना भी बहुत अच्छा है, अभी हम खाना खा कर आ रहे हैं उधर से ही, और बहुत अच्छा टेस्ट है खाने का उसका, और दूसरा रूम्स बहुत प्यारे हैं उसके, बहुत ज़बरदस्त है। पहले तो मौसम इसका बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है और काफ़ी सुकून है यहाँ पे। रास्ता थोड़ा मुश्किल है, बुलंदी तो कैसी, चढ़ाई कैसी सड़क की? बुलंदी ज़्यादा है ना, तो इसलिए। आप अपनी गाड़ी पे हैं? जी हाँ, अपनी गाड़ी पे। बिल्कुल, फिर तो ये ड्राइवर को पता होता है क्या हालात चल रहे हैं, तो वाकई इसकी बुलंदी जो है ये मैंने देखा है। लेकिन यहाँ पे आके फिर मतलब मामला सब क्लियर हो जाता है कि भाई वाकई सही जगह पे आए। बिल्कुल, मतलब रस्ते में जो मुश्किल आती है फिर यहाँ पे आके तो माइंड जो है ना बिल्कुल सुकून मिल जाता है। रात के रहने के लिए आए यहाँ पे। अच्छा, सफर वैसे भी लंबा है तो रात वैसे रह लें, तो सुबह पर देखेंगे कहाँ। वेलकम बैक, मैं भी ठंडियानी में ही मौजूद हूँ। देखा आपने, लोग दूर दूर से आए हुए अपनी फैमिलियों के साथ, उन्होंने इंटरव्यूज़ किया, बातें की हमारे साथ, लेकिन एक खातून ने ऑफ द रिकॉर्ड रहकर मुझे बताया कि यहाँ पर गंदगी का इतना बुरा हाल है, लोगों ने रैपर्स, शॉपर, यानी कि जो जिसके हाथ में जितनी गंदगी थी उसने वो उछाल के फेंकी ज़रूर, लेकिन किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि इसे वापस ले जाएं। चलो वापस ले जाने में प्रॉब्लम हो तो कोई डस्टबिन में फेंक देता है बंदा, इसमें कोई शक नहीं। ठंडियानी 9000 फीट की बुलंदी पर एक ऐसी जगह जो कि बहुत खूबसूरत, जिसे आप स्विट्जरलैंड से कंपेयर, स्विट्जरलैंड से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गंदगी देखी। अगर टूरिस्ट इसका ख्याल नहीं कर रहा सफाई का तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, खास तौर पर जो हिल स्टेशन हैं उन पे लोगों की ऐसी ड्यूटीज होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट भी नहीं कर रही तो यार जो मुकामी लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे होटल्स बनाए हुए हैं, जो पैसे कमाते हैं, ये उनको करना चाहिए और सख्ती से करवाना चाहिए इसका अमल दरामद। इस चीज़ पर जिन्होंने होटल बनाए हुए उनको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि जहाँ पर टेबल कुर्सी बहुत सारी हाथी स्लाइड लेने वाले झूले लगा देते हैं वो लोग, लेकिन डस्टबिन या ऐसी प्रॉपर अवेयरनेस या ऐसा
कोई कदम नहीं उठाते मुकामी भी सफाई का। तो मेरा मुकामियों से भी, टूरिस्ट से भी और गवर्नमेंट से भी, तीनों ही फरीक से गुजारिश है कि ये हिल स्टेशन हमारे हैं, इनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना हम पे फ़र्ज़ है, मुकामियों पे फ़र्ज़ है, गवर्नमेंट पे फ़र्ज़ है। यही मैं अपने दोस्तों कहना चाहूँगा कि जब भी यहाँ पर आएँ अपने रैपर्स अपने साथ लेके आएँ, और अगर वहाँ पर भी आपने डिस्पोज ऑफ करने हैं तो किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर देखने में बुरे ना लगे। ठंडियानी में इस साल सीज़न कैसा रहा आप लोगों का? सर इस साल तो कोरोना का शिकार रहा है, कोरोना की वजह से वो सारा बेरोजगारी भी रही है, टूरिस्ट भी बहुत कम आए हैं, तो ये एक अच्छा पिकनिक पॉइंट है। तो गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करेंगे यहाँ पे मतलब बिजली दें, पानी दें, मतलब जो कस्टमर आते हैं उनके लिए सहूलतें भी होनी चाहिए, क्यों यहाँ पे होटलिंग वगैरह भी नहीं है, गेस्ट ठहरना चाहते हैं, यहाँ का मौसम अच्छा है ठीक है तो उसकी वजह से ठहरना चाहते हैं, मगर वो होटलिंग हो तो तब भी ठहरेंगे। अभी वो कैंपिंग पॉइंट तो अभी इनके बने हुए हैं, मगर वहाँ जाने के लिए गाड़ी का बहुत बड़ा मसला है, कच्चा रोड है। गाड़ी अपनी होनी चाहिए वहाँ पे? सर गाड़ी तो होनी चाहिए मगर लेकिन वो अच्छा, कच्चा है ना, ट्रैक अच्छा नहीं, नहीं रहा, जीप रोड बना हुआ है। अब जैसे कार मोटर वाला है वो कैसे जाएगा? उसको तकलीफ है। तकलीफ होती है ठीक है। फिर सारा अंधेरे का रास्ता है, लाइट का बंदोबस्त भी कोई नहीं है, वो भी होना चाहिए। अगर कोई पैदल वॉक कर रहा है मतलब उसके लिए भी ऐसा होना चाहिए, मगर पैदल भी अंधेरे में कैसे जाएगा जो रात को 8-9 बजे आता है। बिल्कुल ठीक है, ये चीजें। तो सीजन यहाँ पे 14 अगस्त को या ईदें गुजरी है दोनों, छोटी और बड़ी ईद पे कोई ऐसा रश नहीं था यहाँ पे? नहीं सर, पहले तो लॉकडाउन ही रहा है ठीक है, तो जो टूर आते थे वो अपना खाना वगैरह ले गए, इक्का दुक्का लोग आते थे, बस वापस हो जाते। एक दिन का ट्रिप यहाँ पे बनाते हैं जी, एक दिन रात का, बस वो कम लोग ही आते थे। आप यहाँ पे मुकामी गाँव के? जी मुकामी है। ठीक है, और सर्दियों में यहाँ पे बिल्कुल बंद होता है या मेहमान आते हैं? सर्दियों में मेहमान तो बहुत आते हैं, मगर बर्फ इतनी होती है, खासकर हमारी जो वो इंतजामिया है उनकी मशीनरी की वजह से रोड हफ्ता हफ्ता 8-8 दिन बंद रहते हैं। जो मेहमान आते हैं वो किन एहतियात का यहाँ पे उनको कौन सी एहतियात करनी चाहिए टूरिस्टों को गर्मी में भी और सर्दियों में? सर उनको गर्म कपड़े लाने चाहिए ठीक है आते हुए, खासकर अगर नीचे से जो ऊपर आ रहा है उसको, ऊपर वाला जो जा रहा है गाड़ी है जिसकी, तो वो नीचे वाले को रास्ता दे दे के वो चढ़ाई में आ रहा है। गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, टायर अच्छे होने चाहिए ठीक है, बंदा माहिर होना चाहिए जो ड्राइव कर रहा हो ठीक है, तो उससे इतना अंदाजा होना चाहिए, ये चीजें हैं बस। होशो आवास वाला बंदा होना चाहिए, वरना खाइयां यहाँ पे बहुत गहरी हैं, बहुत गहरी हैं। ठंडियानी एक ऐसी खूबसूरत जगह, अगर थोड़ी सी गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे तो यकीन माने इसका वेदर, इसका मौसम मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ कि किसी भी यूरोपियन कंट्री से बहुत बेहतर मौसम है यहाँ। थोड़ी सी तवज्जो की तलबगार है ये जगह, जितनी तवज्जो गवर्नमेंट नथिया गली पे देती है अगर उसका 10% भी अगर ठंडियानी पे दिया जाए तो ये बहुत बेहतर होगा। वैसे रहायश के मामले पर यहाँ पर कैंपिंग पॉट्स बने हुए हैं जो कि इतने महंगे भी नहीं हैं, थोड़ा सा ऊंचाई पर है और मुकामी टॉप पर, यहाँ पर टॉप पर कोई ऐसे ख़ास होटल नहीं है रहने के लिए। अगर रात रहना है तो आपको जो हट्स बनाए हुए हैं, पॉट्स बनाए हुए हैं टूरिज़्म में, उसमें रहना पड़ेगा और वो उसका रहने का एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत है, इतना महंगा भी नहीं है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी आएँ तो एक रात यहाँ पर ज़रूर गुजारें, जो ज़िंदा रहने के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सब यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। जो लोग भी ठंडियानी आना चाहें उन लोगों से मेरी ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये इस सड़क की बुलंदी ठंडियानी रोड की अच्छी खासी है, तो आपने बिल्कुल एहतियात से ड्राइव करनी है आते हुए भी और जाते हुए भी। इसमें आप एहतियात का दामन छोड़ेंगे तो सांस भी आपको छोड़ दें, इसलिए आपको चाहिए कि बिल्कुल आप आराम से आएँ और बिल्कुल आराम से जाएँ, ब्रेकों का इस्तेमाल कम करें ताकि आप महफूज घर तक जाएँ। तो ठीक है दोस्तों, अहमद फरीद राणा को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं ट्रैवल स्टोरी में किसी और नई वीडियो किसी और नई जगह के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।